हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अदितीज किचन में। तो आज हम लेके आए हैं शाम के चाय के साथ एकदम कुरकुरा क्रिस्पी और खस्ता नाश्ता, जो चाय के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगता है। या कोई गेस्ट आ जाए तो उनके लिए ये नाश्ता आप फटाफट तैयार करें। तो ये तीन टाइप के हम आपके साथ में नाश्ता तैयार करेंगे। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि मैंने ये तीन प्रकार के नाश्ता बनाए हैं, एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा खस्ता है, जो देखने में ही लग रहे हैं बहुत ही मज़ेदार। और आप अपने गेस्ट को खिलाए वो भी खुश हो जाएंगे। और ख़ासकर आप विंटर्स चलने लगे हैं तो उसमें तो ये खस्ता नमकीन बहुत ही टेस्टी लगती है, अभी चाय के साथ में। तो चलिए आपके साथ में ये सारे तीन प्रकार के हम शेयर करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले है पोहा पापड़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप बेसन लिया है। ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं और ना ही ज़्यादा पतला है पोहा। तो अभी पोहे को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक से तीन बार हम इस पोहे को अच्छे से वॉश कर लेंगे। और एक बार फिर से आप सभी को रिमाइंड कर रहे हैं, जिसने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू लोग देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, जिससे आप मेरी वीडियो देख सके। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैंने यहाँ पर पोहा को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे हम अब कवर करके रख देंगे। और अब लेते हैं एक फ्राई पैन, उसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून डाल देंगे इसमें अजवाइन और वन टी स्पून के करीब इसमें हम वाइट तिल डाल देंगे और दो चुटकी इसमें डाल देंगे हींग और वन टीस्पून इसमें डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स। इन सबको चलाते हुए अच्छे से सॉटी कर लेंगे, यानी ये सब अच्छे से जब तक चटकने ना लगे तब तक इसे हमें ऐसे चलाते हुए पका लेना है। तो इन सब से अच्छे से खुशबू आने लगी है सौंधी सी। और अब इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप बेसन और बेसन को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए इसे एक से दो मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे हमें भून लेना है, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक इसे हमें भून लेना है। तो आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से भून गया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो गैस फ्लेम हम बंद कर देंगे यहाँ पर अब। और अब चलते हैं जो मैंने पोहा रखा था वॉश करके, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से भीग गया है ये। और जो मैंने बेसन भुना है उस बेसन को इसी में हम डाल देंगे। तो बेसन को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस इसमें से अच्छी सी भुनने की एक खुशबू आ जाए उतना ही हमें यहाँ पे बेसन को भून लेना है। और अब इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब चाट मसाला पाउडर और डाल देंगे इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च कुटी हुई और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें, पर यहाँ पे नमक बहुत कम यूज़ करें क्योंकि इसे हमें डीप फ्राई करना है। तो ये मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है, उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इसके जगह आप हरी धनिया भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता का यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने इस तरीके से कट करके जैसे धनिया डालते हैं उसी तरीके से मैंने इसको डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसे हमें आटे के डो फॉर्म में से हमें बना लेना है अच्छे से मसल मसल के, क्योंकि चूरा जो है जो पोहा अच्छे से भीग गया था तो ये आटे के डो में अच्छे से आ जाएगा।
तो मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डालना भूल गई थी, तो उसे मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर से अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ना पानी ऐड नहीं करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि मैंने पोहा को अच्छे से वॉश कर लिया था, बहुत अच्छे से फूल गया, उसमें बहुत अच्छा मॉइस्चर आ गया था, जिससे ये आटे का डो फॉर्म में ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये डो फॉर्म में आ गया है, यानी जैसे आप आटा गूंथते हैं उसी तरीके से ये बन के रेडी हुआ है। इस तरीके से इसे बना लेना है और रखते हैं इसे साइड में। और अब ले लेते हैं एक प्लेट और हाथों में हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल हाथों में ग्रीस कर लिया है हल्का सा। और छोटी सी अब लेते हैं लोई, छोटी छोटी लोई लेके इसे इस तरीके से हमें बनाना है, क्योंकि ये टाइट है तो ये साइड से फटेंगे भी। तो आप ये मत चिंता करिएगा कि ये फट रही हैं, बन नहीं रही हैं, तो ये इसी तरीके से बनेंगी, क्योंकि ये पोहा है थोड़ा सा टाइट है। और इसे हाथों से ही बनाना है, हाथ की हथेलियों से, गदेलियों से इसे इस तरीके से बढ़ाना है। इसे बेलन से बेलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो पापड़ी, जो क्रिप्सी कुरकुरी थोड़ी सी मोटी बनेगी, उस तरीके से नहीं बन पाएगी अगर आपने इसे बेलन से बेला। तो इसे हाथ से इस तरीके से ही बना लेना है। सारी पापड़ी आपको इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। तो देखिए मैंने एक बना के दिखा देनी है और आपको सभी इसी तरीके से बना लेनी है। तो मैंने देखिए यहाँ पे सारी पापड़ी इसी तरीके से बना के रेडी कर लिया है इस तरीके से। तो इन्हें हम रख देते हैं तब तक के लिए साइड में और हम ऑयल गरम कर लेते हैं। तो मैं ले लेती हूँ एक फ्राई पैन और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था और ऑयल को अच्छे से मैंने गरम कर लिया है। और ये जो पापड़ी बनाई है उनको एक एक करके इसमें डाल देंगे, जितनी आएंगी उतनी डाल देंगे, बाकी की बाद में दूसरे राउंड में हमें इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें हमें डीप फ्राई कर लेना है, डालते हुए तुरंत इसे पलटना नहीं है, थोड़ी देर बाद इसे हमें पलटना है जब थोड़ा सा कलर आ जाए। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया है और इन्हें हम पलट देंगे। और थोड़ी देर बाद पलटने से ये होता है कि तुरंत पलटेंगे तो ये पापड़ियाँ टूट जाएंगी, टूटने का डर रहता है। जब हल्का सा कलर आ जाए तभी इनको पलटे, तो ये टूटेंगे भी नहीं कहीं से भी। और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे और मीडियम टू हाई इसे फ्राई करना है, बहुत ही लो फ्लेम पे नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया इन पापड़ियों का। इस तरीके से फिर चला देंगे इसे थोड़ा सा और इन्हें हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। छन्नी में निकालने से ये होता है कि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो छन जाता है। तो मैंने यहाँ से एक एक करके कर लिया है और इसे थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे तो उसका ऑयल है सो उसी में छन जाएगा। तो बाकी की बची हुई पापड़ियाँ हम इसी तरीके से डाल के डीप फ्राई कर लेंगे। तो आप सभी को इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेना है। तो ये भी देखिए वन साइड अच्छे से हो गई थी, तो इनको भी हमें पलट देना है। दूसरी साइड भी इसे हमें गोल्डन कर लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये भी पापड़ी अच्छे से डीप फ्राई हो गई है, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं उसी छन्नी में जिसमें मैंने पहले निकाला था। तो मैंने यहाँ पे सारी पापड़ियाँ निकाल ली हैं। तो ये पापड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं और इन्हें हम अब सर्व कर लेते हैं। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और थोड़ा सा मैंने इसे करी पत्ते से गार्निश कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो एक पापड़ी हम आपको उठा के और तोड़ के दिखाते हैं कितनी क्रिप्सी कुरकुरी और मसालादार ये पापड़ी बन के रेडी हुई है। इस पापड़ी को आप एक एयर टाइट डिब्बे में रख के 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको चाय के साथ खाने का मन करे और आप इसे चाय के साथ में खा के इंजॉय कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो दूसरी रेसिपी हम आपके साथ में
शेयर करते हैं। तो ये नमक पारे, दो उबले आलू और एक कप गेहूँ के आटे के हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करेंगे। तो एक लेंगे फ्राई पैन, फ्राई पैन में रिफाइन ऑयल 1 टीस्पून डालेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून वाइट तिल डाल के अच्छे से इन्हें चटक जाने देंगे। और अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून की कस्तूरी मेथी साथ में ही और 1 कप आटा, गेहूं का आटा है ये जो नॉर्मल आप घर में रोटी बनाते हैं, और 1/2 कप सूजी है ये। दोनों को डाल के अच्छे से इसे हमें भून लेना है एक अच्छी खुशबू आने तक। जब तक इसमें अच्छी खुशबू ना आ जाए तब तक हमें इसे भूनते जाना है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 1/2 टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल देंगे। डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, यानी ये बहुत अच्छे से भुन गया है, और इसे हमें एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। और मैंने यहाँ पे 2 आलू पहले से उबाल लिया था, ये आलू को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे अच्छे से हाथ से मैश करके डाल सकते हैं, पर इसमें गुलतियाँ नहीं होनी चाहिए इसलिए हम इसको अच्छे से ग्रेट कर रहे हैं। तो आलू मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं, और हाथ की सहायता से इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है एक डो फॉर्म में। जैसे आप आटे का डो बनाते हैं उसी तरीके से इसका डो हमें तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका मैंने डो अच्छे से बना लिया है, ना ही ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा बहुत गीला है। अब सूखा आटा हल्का सा डस्ट कर लेंगे और इसकी हमें 2 लोइयां बना लेनी है, बराबर आटा लेना है, और इस तरीके से पहले हाथ से कर लेंगे और बेलन की सहायता से इसे हमें बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही ज़्यादा बहुत मोटा बेलना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इतना पतला और इतना मोटा बेला है। अब इस नाइफ से इसकी पतली पतली स्लाइसेस इस तरीके से कट करेंगे, जैसे आप नमक पारा बनाते हुए काटते हैं, तो इस तरीके से आप साइड से कट कर लेंगे। और जो साइड के हिस्सा है उसे हमें हटा देना है, यानी हटा नहीं, ऐसे बाद में हम फिर से बेल के बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इस साइज़ हमें कट कर लेना, आप कोई भी साइज़ यहाँ पे कट कर सकते हैं, और इसे एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे। ऐसे ही हम दूसरी लोई का भी कट कर लेंगे। और अब लेते हैं एक फ्राई पैन, उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, आप कोई भी यहाँ पे ऑयल ले सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देंगे ये नमक पारे जितने इसमें फ्राई हो सके। तो थोड़ी देर बाद इसे हमें चला देना है, और चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वन साइड बहुत अच्छे से ये डीप फ्राई हो गए हैं। तो इसे हमें अब निकाल लेना है एक छन्नी में, इस तरीके से निकाल लेंगे जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी छन जाएगा। तो इसी तरीके से सारे मैंने निकाल लिए हैं नमक पारे, और देख सकते हैं आप कितने ही क्रिस्पी कुरकुरे से ये बन के रेडी हुए हैं। और इसे हमें एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे, जो बाकी के बचे हुए इसी तरह हमें डीप फ्राई कर लेना है। तो इनको भी हमें उसी तरीके से निकाल लेना है एक छन्नी में। और अब निकाल लेते हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे ये आटे के नमक पारे बने हुए हैं, जो बहुत ही टेस्टी है। इसे आप चाय के साथ में इंजॉय करें, मॉर्निंग हो या इवनिंग, दोनों टाइम इसे आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अब शेयर करेंगे हम आपके साथ में तीसरी रेसिपी। तो इसे भी मैंने 1 कप गेहूं के आटे से ही बहुत ही खस्ता नाश्ता तैयार किया है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है, 2 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैंने
पतली वाली सूजी ले ली है, 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी, 1 टीस्पून इसमें राई डाल देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल यानी रिफाइंड डाल देंगे और हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे आप मोयन लगाते हैं उसी तरीके से। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा एक डो बना लेंगे, जैसे आप रोटी का डो बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से डो बना के इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हमें रख देना है। तो मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी धनिया ले लिया है, तो इसको एक चॉपर में डाल के और अच्छे से इसे चॉप कर लेंगे, दरदरा ही चॉप करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से दरदरा चॉप कर लिया है। तो अब इस नाश्ते की हम फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 50 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और अब इसी पनीर में डाल देंगे जो ये चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक और हरी धनिया का पेस्ट और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक टेस्ट के अनुसार, काली मिर्च थोड़ी सी और ऑरिगैनो डाल देंगे 1 टीस्पून और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे और डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी सी फिलिंग हमें बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं नाश्ते की फिलिंग अच्छे से बनके रेडी हो गई है। रखते हैं इसको साइड में और आटे को थोड़ा सा हमें और सॉफ्ट कर लेना हाथों से और इसकी बराबर तरीके से 2 लोइयां बना लेनी है और इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में और सूखा आटा डाल के और इसको अच्छे से हमें रोटी की तरह बेल लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से बेल लिया, जैसे आप रोटी बेलते हो उसी तरीके से। तो दोनों लोइयों को मैंने बेल लिया है और दोनों लोइयां एकदम बराबर बराबर शेप में ही दिया है, यानी गोल और बराबर ही पतली मोटी हैं। तो इसको इस तरीके से हमें कट कर लेना है, साइड वाली जो है उसको हटा देनी है, उसको मैं बाद में फिर से बेल के बना लेंगे। तो उसमें चौकोर में पानी लगा देंगे, चौकोर शेप देना है नाश्ते का, तो इस तरीके से इसमें पानी लगा देना है जिससे बहुत अच्छी ये चिपक जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा हमें ये पनीर की फिलिंग रख देंगे। रख दिया है, फिर दूसरा वाला भी पार्ट इसके ऊपर रख के साइड से फिंगर की सहायता से इसे हमें दबा देना है बीच बीच में और अब इसे इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है और फोक की सहायता से इसे हमें अच्छी से एक डिजाइन दे देनी है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये टेस्टी सा एकदम नाश्ता बना लिया है। और अब लेते हैं एक फ्राई पैन, उसमें डालते हैं कुकिंग ऑयल। अब इस नाश्ते को हम डीप फ्राई करेंगे, तो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था और जितने इसमें आप पाएंगे उतने हम इसमें नाश्ते डाल देंगे। तो इसे हमें अलटते पलटते हुए डीप फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं एक साइड में बहुत अच्छा कलर आ गया है, तो इसे पलट दिया है और अब हम इसे छन्नी से निकाल लेंगे। तो बचे हुए भी बाकी इसी तरीके से हमें डीप फ्राई कर लेना है। तो इसे भी हमने डीप फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए नाश्ता ये भी बहुत अच्छा बन गया है। आप इसे चाय के साथ में खाए बहुत ही टेस्टी लगता है, या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी इसे बना सकते हैं, कोई आए तो उसे भी आप बना के दे सकते हैं इसे। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तुम्हें